हम लोगों ने एमएसएमई पॉलिसी के अंतर्गत 4 करोड़ रुपए तक की पूंजी निवेश सहायता देने की व्यवस्था, सूक्ष्म इकाइयों हेतु 25 लाख तक का ब्याज उपादान की व्यवस्था, महिला एवं एससी एसटी जो उद्यमी हैं उनके लिए विशेष प्रोत्साहन के साथ ही ग्रीन एनर्जी के लिए सहायता और सीटीपी के लिए भी 10 करोड़ रुपए तक की सहायता राज्य सरकार के द्वारा उपलब्ध करवाने का कार्य एमएसएमई पॉलिसी के अंतर्गत उद्यमियों को प्रदान करने का काम हो रहा है। फ्लैटेड फैक्ट्री के लिए भी 7 वर्ष में 14 करोड़ रुपए तक की सहायता, इस कार्यक्रम को भी प्रदेश सरकार ने तेजी के साथ आगे बढ़ाया। अलग अलग क्षेत्रों में ये फ्लैटेड फैक्ट्री के कार्य भी सफलतापूर्वक आगे बढ़ाने का काम हो रहा है। तो प्रदेश सरकार ने इसके साथ ही प्रदेश के उत्पाद की बेहतर मार्केटिंग के लिए, उसकी शोकेसिंग के लिए इंटरनेशनल ट्रेड शो का आयोजन किया था, गत वर्ष भी हुआ था और इस वर्ष फिर से 25 से 29 सितंबर के बीच ग्रेटर नोएडा में आयोजन होने जा रहा है। और मैं प्रदेश के अपने सभी एमएसएमई उद्यमियों को इस बात के लिए आह्वान करूंगा कि गत वर्ष वहां पे 70,000 से अधिक बायर्स आए थे, देश से भी दुनिया भर से भी आए थे, इस बार इनकी संख्या और बढ़ेगी। उत्तर प्रदेश के पोटेंशियल को लोगों ने इस ट्रेड शो के माध्यम से देखा था, एक बेहतरीन मार्केटिंग का अवसर प्राप्त हुआ था। राज्य सरकार इस बार फिर से इसका आयोजन करने जा रही है और मैं आपका आह्वान करूंगा अभी से अपनी तैयारी कर ले बेहतरीन मार्केटिंग के लिए, और उत्पाद की ब्रांडिंग और मार्केटिंग का एक बेहतर अवसर भी प्राप्त होगा, शोकेसिंग का एक अवसर प्राप्त होगा, वहां पर भी हम लोग इस कार्यक्रम के साथ जुड़ने का कार्य करें।